हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है रेलवे ग्रुप डी के क्रैश कोर्स की थर्ड वीडियो और इसमें देखने वाले हैं कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और ये वीडियो आपका आरपीएफ एसएससी जीडी हरियाणा एसएससी और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 203 रीजनिंग कनो से 100 जीके का टेस्ट चलता है डेढ़ रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लेनी है पीडीएफ किसी भी वीडियो की तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर ₹12 प्रत्येक खर्च किए और 9वें ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से ₹8 अधिक खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि थी। तो रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कैसे करना है सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 का तो जो औसत आया है प्रत्येक का ₹12 खर्च किए 8 ने, ठीक है। जो नौवा व्यक्ति था उसने क्या किया है, उसका खर्च क्या है, जितना सभी का औसत खर्च आया 9 के 9 का, उसमें 8 अधिक ऐड कर देना, ठीक है। तो वो उसका खर्च है। यहाँ पे पूछा उनके द्वारा खर्च किए गए कुल राशि थी, तो यहाँ पे हमें क्या मानना है, जो सभी का औसत खर्च है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। देखिए, माना कि सभी का औसत व्यय x है, यानी कि सभी का जो औसत है वो x खर्च किया है उन्होंने। अब हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। 8 का तो हमें पता है ना, 8 ने तो ₹12 खर्च किया है तो 8 का हमें पता है, ठीक है। 9वे का क्या है, जितना औसत है उससे 8 अधिक, तो औसत तो हमारा 8 है, सॉरी x है, और 8 उससे अधिक उसने खर्च किया है 9वे व्यक्ति ने, तो x प्लस 8 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 व्यक्ति जो है, जो 9 के 9 है, उन्होंने x खर्च किया है औसत, तो इसका मतलब 9x इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन तैयार होगी। अब ये बताइए, सबसे पहले तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो समझिए पूरा क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, 8 की 12 में करेंगे 96, ठीक है, x प्लस 8 और इक्वल आपका 9x हो जाएगा, ठीक है। x को एक साइड में ले आइए, xx वाली वैल्यू को, और ये एक साइड में चले जाएंगे, तो ये बचेगा 8x, 9x में से माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाके ये दोनों, मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो एक साइड में रखेंगे ये 104 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 104 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 30, तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा, टोटल खर्च कितना हुआ है, तो यहाँ पे औसत, इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि सभी ने 13-13 खर्च किए हैं, ठीक है, और कितने व्यक्ति हैं, 9, तो 9 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, मेन चीज इसमें समझने वाली ये थी कि जो औसत खर्च था, जो औसत खर्च हुआ सभी का, वो हमने x मान लिया था, और टोटल खर्च कितना होगा, फिर 9x हो जाएगा ना, ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। और जो 9 जो नौवा बंदा था उसने खर्च कितना किया, जितना औसत खर्च था उससे, सभी का औसत खर्च उससे 8 अधिक, तो सभी का औसत खर्च हमने x माना था, तो सभी का हो जाएगा x प्लस 8। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, 2013 में पूछा गया ग्रुप डी में, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। यदि ए बी सी इन तीनों संख्याओं का औसत डी है, इन तीनों संख्याओं का औसत डी है, तो यहाँ पे ए बी सी डी का औसत क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर औसत निकाला होगा ए बी सी का, कैसे निकाला होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड कर दिया होगा 3 से, तो ये औसत डी आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इनके सम की बात करें, ए बी सी का सम कितना रहा होगा, अगर इस डी की, इस औसत की, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी सी का सम आ जाएगा, तो ए बी सी तीनों का सम कितना आ गया, 3d, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे पूछा ए बी सी डी का औसत कितना होगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी का औसत कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि ये ए बी सी डी कितने हैं, ये 4 है, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो औसत आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, ए बी सी को हम लिख सकते हैं 3d, क्योंकि ए बी सी का तो हमें पता है ना कि 3d है इनका दोनों तीनों का सम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3d, और d को तो हम लिखेंगे d ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, 4d/4, ठीक है भाई, 4 से 4 कट जाएगा, तो आप इनका भी औसत आपका डी आ जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये ए बी सी डी का भी औसत आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
यहाँ पे बोला गया कि 7:15, 15:23 और 17:25 तथा 21:29 अनुपात में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो होता तो ये सिंपल है, बट इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा पड़ जाता है कि आपको कैलकुलेट करने में टाइम लग सकता है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके किसी क्वेश्चन को तो सेकंड में भी कर सकते हैं और किसी में 2-4 सेकंड लग सकती है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से रेशो दिया जाता है और उसमें पूछा सबसे छोटा कौन सा है, तो आप ऐसे लिख लेंगे बटे में 15 बटे 23, ठीक है, 17 बटे 25, इस तरीके से आपने लिख लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये तो डेफिनेटली है कि ऊपर जीरो लगानी पड़ेगी, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो सभी में तो पॉइंट तो आएगा ही, ठीक है, जब ये ऊपर वाली छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट बढ़ाया या जीरो लगाई, एक पॉइंट बढ़ाया, तो 15 से 70 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार ही जाएगा, क्योंकि 5 बार करते तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, पूरा नहीं कट करेंगे, बस 4 लिख दीजिए, आगे बिल्कुल कुछ नहीं करना है। फिर हमने क्या किया, 15 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। हमने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 150 को अगर 23 से डिवाइड करें तो 6 बार जाएगा, कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ 6 बार जाएगा, क्योंकि 7 बार कर देंगे तो 150 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 लिख लिया। अब इसको 5 को भी छोड़ते हैं, ठीक है, अभी तक तो ये छोटा है, साफ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट में 17 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आपको एक जीरो लगानी पड़ेगी, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के आप 170 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा, 25 से जब डिवाइड करेंगे 170 को डिवाइड करेंगे 25 से तो कंप्लीट नहीं जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, और अगर 7 टाइम कर दे तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 टाइम ही हम जाएंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, 6 है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें डिवाइड करना है 21 को 29 से, तो हम जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, तो 210 को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, भाई कंप्लीट हमें नहीं जाएगा, वो तो हमें पता है, तो 7 टाइम जा सकता है अप्रोक्स, ठीक है, अगर हम 7 से ज़्यादा कर दे 8 तो बड़ी हो जाएगी संख्या, तो यहाँ पे 7 टाइम जा सकते हैं। अभी आपको एक क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको खुद पता चल गया होगा ये 4 है, ये आप लास्ट वाली छोड़ ही दीजिए, ठीक है, अगर ये 2 संख्या आ गई 6-6 की तो तब आपको डिवाइड करना पड़ सकता है कंप्लीट, अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर एक जीरो बढ़ानी है, ठीक है, और पॉइंट बढ़ाना है और डिवाइड करके देखना है, अप्रोक्स देखना है, पूरा कंप्लीट डिवाइड करना ही नहीं है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करने में डबल टाइम लगेगा और आधा डिवाइड करने में, यानी कि आधा डिवाइड किया आपने 4 पे छोड़ दिया, नेक्स्ट वाला आपने पूरा कंप्लीट नहीं कहा, बट हमें ये पता चल गया कि 4 की लाइन में है, ये 6 की लाइन में है, 0.6 की लाइन में है, ये भी 0.6 की और ये 0.7 की, तो यहाँ पे सबसे छोटा किसको पता चल रहा है कि सबसे छोटा ये वाला रेशो हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7:15। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कॉन्सेप्ट था, जो छोटा सा एक आइडिया था आपके साथ में शेयर किया, सही लगा होगा, ठीक है, अगर सही लगा होगा तो प्लीज़ बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बैग में 15 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि बैग में कुल 30 रुपये हों तो उस बैग में 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो हम इसको भी पैसे में ही बदल लेते हैं, यानी कि 100 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3000 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जैसे बोला गया है बिल्कुल वैसे लिख लेते हैं, सबसे पहले 15 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, किस रेशो में, 1:2:3 के रेशो में, ठीक है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस तरीके से रेशो में और पैसे की, तो कितना हो जाएगा 15x 20x और 15x, और ये किसके हो जाएगा 3000 पैसे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इन सभी को प्लस करता हूँ कितना हो जाएगा 50x किसके इक्वल 3000 पैसे के, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 60, अब x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, अगर मैं इनमें x की वैल्यू में इनमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हमें पैसे मिल जाएंगे, और ये पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 into ये पूछा ना 5 पैसे के, तो 3 into 60 कर देना है, तो 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, 180 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है 100 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। ग्रुप डी में 2014 में 2013 में 2 बार पूछा जा चुका है, तो कैसे ये आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पिता और पुत्र की आयु का जो योग दे रखा है वो 100 वर्ष का कब का वर्तमान का दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले का अनुपात दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये जो समय इसको भी 5 वर्ष पहले लेके चले जाना है, इस रेशो में डिवाइड करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फादर और सन की एज का सम 100 वर्ष है,
ठीक है, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में। अगर मैं इसमें से 5-5 दोनों की माइनस कर दूं, 10 साल माइनस कर दूं, तो ये 90 जो आएगा, ये 90 कब का आएगा, ये 5 वर्ष पहले का योग आ जाएगा। यानी कि 5 वर्ष पहले फादर और सन की एज कितनी थी, 90 सम था इन दोनों की एज का, ठीक है। और अगर मैं अब इस रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो 5 वर्ष पहले की इनकी एज भी मिल जाएगी मुझे, तो ठीक है इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे 3, तो 90 को डिवाइड करिए 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो फादर की एज आ जाएगी। फिर 90 को 3 से डिवाइड करिए और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सन की एज आ जाएगी। तो फादर और सन की एज कितनी आ गई, 60 और 30, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में 5-5 प्लस कर दूं, तो ये जो आ जाएगा आपकी प्रेजेंट की हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, 10 वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो क्या रहेगा, 10 वर्ष बाद पूछा है ना, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, यानी कि 5-5 प्लस करके तो ये बन गई है प्रेजेंट की, ठीक है। और इसमें अगर मैं 10-10 प्लस कर दूं, तो ये हो जाएगी 10 वर्ष बाद की, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 75 और 45, 15 से डिवाइड कर दीजिए कितना होगा, 5:3 का ये राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, 5:3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है तथा उनकी आयु का अंतर क्रमांक समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया, 4 भाइयों की आयु का योग तो 56 वर्ष दे दिया है, बट हरेक जो 4 भाई है, हरेक में 4-4 वर्ष का अंतर है। तो ये किस तरीके से आप देखेंगे इस चीज को, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो 4 भाइयों की उम्र किस तरीके से, 1 की x होगी, तो 1 की x+4 होगी, फिर 1 की x+8 होगी, 1 की x+12 होगी, तभी तो 4-4 वर्ष का डिफरेंस आएगा। देख लीजिए 4-4 वर्ष का डिफरेंस बोला है कि इन सभी में 4-4 वर्ष का अंतर है, और इनका सम हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, x+x+4+x+8+x+12 इस तरीके से सभी को प्लस करके 56 के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि इन सभी की एज का जो सम है वो 56 है। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4x, और इन सभी को प्लस करेंगे 4, 8 और कितना हो जाएगा, 12 और 12, 12, 24, तो कितना हो जाएगा ये 4x+24 किसके इक्वल, 56 के, ठीक है। तो यहाँ पे 4x, ये 24 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 32, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 32/4, तो 8 वर्ष, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या पूछा, सबसे बड़े भाई की उम्र, तो सबसे बड़ा भाई कौन सा हो जाएगा, x+12 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़े भाई की उम्र हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू आपको 8 मिली है, तो 8+12 तो कितना हो जाएगा, 20 ईयर, यही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक धनराशि को 5:10:15:20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है, यानी कि उच्चतम हिस्सा कितना है इसमें, 20 है, और न्यूनतम हिस्सा कितना है, वो 5 है। तो यहाँ पे पूछा, जो 5 है वो 20 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा गया है। उच्चतम हिस्से का, उच्चतम हिस्से का यानी कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है, यानी कि उसका प्रतिशत पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे, 5/20 × 100 करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका रेशियो दे रखा है, इसमें उच्चतम हिस्सा ये है, न्यूनतम ये है, तो न्यूनतम पूछा है बड़े से बड़े जो बड़ा हिस्सा है उसका कितना प्रतिशत है, तो 5/20 × 100 करेंगे, 20 से जाएगा 100 5 टाइम और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्स एक काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है, उसी काम को वाई 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक्स चला जाता है, अकेला वाई कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2014 में आ चुका है और अलग अलग रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स आपका 25 दिनों में कर देता है, वाई आपका 20 दिनों में कर देता है किसी काम को, तो दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 100, तो ये जो आएगा 100 ये टोटल कार्य आ गया, यानी कि ये यूनिट ऑफ वर्क है कि इतने कार्य को एक्स जो है वो 25 दिनों में कर देता है और वाई उसे 20 दिनों में कर देता है, तो इनका एक एक दिन का वर्क निकाल लेंगे भाई। 100 को जब टोटल कार्य को हम दिन से डिवाइड कर देंगे तो एक्स का आ जाएगा एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट, फिर 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो वाई का आ जाएगा एक दिन का 5 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इनका वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क आने के बाद में यहाँ पे बोला गया है
कि अगर ये 5 दिन तक कार्य करते हैं दोनों मिलके और उसके बाद एक्स छोड़ के चला जाता है, एक्स छोड़ के जाता है ना, हाँ देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर एक्स चला जाता है, तो अकेला वाई कितने दिन में शेष कार्य को करेगा। तो 5 दिन में कितना कर लेंगे भाई, दोनों मिलके 1 दिन में तो 9 यूनिट करते हैं, 5 दिन में 45 कर लेंगे, तो हम 100 में से 45 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना 55। ये 55 बच गया है रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब x छोड़ के जा चुका है, बचा कौन y, y इस रिमेनिंग वर्क को शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 11 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये इसको 11 दिन में कंप्लीट कर देगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और देख लेते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक कार्य समाप्त करने में ए को 24 दिन, बी को 9 दिन तथा सी को 12 दिन लगते हैं। बी व सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य को समाप्त करने में ए को कितने समय लगेगा। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, अब की बार ए बी और सी है जिसमें बी और सी वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं और रिमेनिंग कार्य को पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल है उसी तरीके से करेंगे। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी पहले 2014 में, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। ए आपका 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में, सभी का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 72, तो ये 72 टोटल यूनिट वर्क आ गया। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है, वैसे बहुत सिंपल होता है, बट अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या रख सकते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आसान बन जाए, ठीक है। आपने रखा है यहाँ पे 72, तो 72 टोटल यूनिट वर्क आ गया। ए ने 72 को 24 डेज में कर दिया, बी ने 9 डेज में और सी ने 12 डेज में, तो 72 को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, यानी कि 3 यूनिट वर्क, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। 72 को 9 से डिवाइड कर दूं तो बी एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है, और 72 को 12 से डिवाइड कर दूं तो सी एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बोला बी और सी जो है वो उन्होंने कार्य स्टार्ट किया और 3 दिन तक कार्य किया, तो 1 दिन में कितना करते हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो 14 यूनिट कार्य 1 दिन में करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे 42 यूनिट वर्क ये कर लेंगे 3 दिन में। तो यहाँ पे 72 में से 42 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना 30। अब रिमेनिंग वर्क आपका 30 है, ठीक है, इस 30 को आप किसे कराना है, ए से, क्योंकि ये दोनों तो छोड़ के जा चुके हैं, तो ए से कर देंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 10 डेज, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि टाइम एंड वर्क के दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी हर एक टाइप का करा दूंगा मैं जब तक एग्जाम होगा, बस आपको सारी वीडियो देखनी है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 12 वाला क्वेश्चन, ये भी कई बार अभी ALP और टेक्नीशियन में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एक बार देख लीजिए। 2.8768 ये आपका लिखा है और यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, यानी कि इन 7, 6 और 8 के, इन तीनों के ऊपर बार है, यहाँ पे पूछा किसके बराबर है, ये ऑप्शन दे रखे होंगे, निकालना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन से और भी आसान पड़ेगा जब आप ऑप्शन से करेंगे। तो ये 2 तो कंप्लीट है, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस करके 2+, ठीक है। और जो इस साइड में वैल्यूज होती है जिनके ऊपर बार होता है, देखिए बार का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको लिख लेना है बिल्कुल वैसे ही जैसे 8768 लिखा है, ठीक है। अच्छा मैं ये आपको बता रहा था कि ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 768 लिखा है तो 768 768 768 इस तरीके से रिपीट चल रहा होगा, इसको रिपीटेशन को हटाने के लिए बार लगा दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब है ये बार बार 768 768 चल रहा होगा, तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर जैसे पूछा कि इसके किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन में आपको अलग अलग दे रखे होंगे, तो इसको करते हैं जैसे 876 लिखा है, इसको पूरा लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करिए, ठीक है, और नीचे अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने ही 9 लिखिए और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके 0 लगाइए। थोड़ा सा मतलब आपको समझने की जरूरत है, एक दो बार करिएगा तो आसान से हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 3 के ऊपर बार है तो आपने ये तीनों तो लिख ही लिए, ये मतलब पूरा लिखने के बाद में 3 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं तो इसको माइनस कर दिया, नीचे जिसके ऊपर बार है उतनी ही नीचे 9 लगा दिए और जिसके ऊपर नहीं है उसको 0 लगा दी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 876 8768 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8760, अपॉन में कितना होगा 9990 अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से कट हो जाएगा, ठीक है,
थ्री से इसको कट करेंगे, ये जाएगा आपका 333, यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 292, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट जो आंसर बनेगा, 2 complete 292 292/333, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके किसके इक्वल ये वैल्यू होगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी दोस्तों को और शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर मैं सारी PDF का अपडेट करता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।